नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। मेरे जो घर के पास में टेम्पल है उसमें भी प्रे हो रही है, और बाई चांस की बात है कि आज की जो मेरी रिएक्शन वीडियो है वो है कि वाई मुस्लिम पीपल प्रे 5 times इन अ डे। बिकॉज हम सबको पता है कि मुस्लिम्स में जो है वो 5 times की नमाज अदा करते हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न है और उन्हें 5 times की नमाज़ ही क्यों करनी पड़ती है, तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे। और बाय चांस मेरे घर के पास में भी आज पूजा ही हो रही है टेम्पल में, मतलब डेली होती है। तो द मोमेंट आई एम शूटिंग दिस वीडियो, तो वो बेल जो मंदिर में बजाते हैं ना वो स्टार्ट हो गई। तो वर्शिप करना हर कल्चर में होता है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हों। हर रिलीजन में अपने भगवान को, अपने अल्लाह को, गॉड को, जिसे भी वो मानते हैं, उसकी वर्शिप सब लोग करते हैं। बट एक मुस्लिम रिलीजन ऐसा है जिसमें 5 times दे नीड टू प्रे और दे नीड टू वर्शिप अल्लाह, तो इसमें हम देखते हैं। और मुस्लिम के अलावा आए जो सरदार हैं, सरदारों में भी 5 times के पार्ट होते हैं, हमारे में पार्ट होता है जिसे पढ़ना पड़ता है 5 times इन अ डे। तो हर कल्चर का एक अलग फॉर्मेट होता है कि वो किस फॉर्मेट में प्रे करते हैं। जैसे कि मुस्लिम्स का है, उसमें मैंने देखा है कि उनके कुछ स्टैंडर्ड ऑलरेडी फिक्स्ड हैं कि उन लोगों को पहले खड़े होके प्रे करना है, फिर बैठना है, अपना हाथों को प्रॉपरली ऐसे करना है, और उसके बाद में ऐसे वो फू भी करते हैं आई गेस। तो मीन्स अलग ही फॉर्मेट होता है। जैसे हमारे सरदारों में क्या है कि आप बैठो, अच्छे से अपना हेड कवर करो और बस बैठो, और आपका जो पाठ है आप अच्छे से मन लगा के उस पाठ को पढ़ो 5 times इन अ डे। और मुस्लिम्स में होता है कि 5 times इन अ डे आपको नमाज़ अदा करनी है, जिसमें आपको प्रॉपरली अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को कवर करना है। उससे पहले आपको वजू करना है, वजू करके फिर आपको बैठना है, और उसमें भी आपको लूज़ क्लोथ पहनने चाहिए। मैंने एक बार ये भी सुना था कि मतलब मुस्लिम्स में ना क्या बोलते हैं उसे, रुमाली, आई थिंक रुमाली बोलते हैं वो लोग, मियानी भी बोला जाता है, जो कि वो लोग बोलते हैं कि प्रे के टाइम पे जो भी लड़कों ने पजामा पहना हो या गर्ल्स ने जो सलवार पहनी होती है उस पर वो रुमाली, या जिसे हम मियानी भी बोलते हैं, वो होना मैंडेटरी है। पर साथ में मैंने ये भी किसी से सुना था कि ऐसा कुछ रूल नहीं है, तो इट्स लाइक डिलेमा कि वो है या नहीं। अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए कि कपड़ों में वो मियानी होना ज़रूरी है या वो बस ऐसे ही एक अफवाह है, मीन्स ऐसे लोग बोलते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये मिस रमशा सुल्तान की वीडियो है, जो कि बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाती हैं। इससे पहले वाली मेरी वीडियो जो बुर्का पे थी कि मुस्लिम जो फीमेल्स हैं वो बुर्का क्यों पहनती हैं, वो भी मिस रश्मा सुल्तान की थी। तो इसमें हम देखते हैं कि वाई मुस्लिम वर्शिप टू अल्लाह 5 times इन अ डे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है और आज मैं आपको बताऊंगी कि नमाज क्या होती है, मुस्लिम्स नमाज क्यों पढ़ते हैं, इसका एक जनरल ओवरव्यू मिलेगा आपको इस वीडियो में। लेट्स बिगिन। नमाज एक इबादत का तरीका है, इट्स अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। इसमें हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं एंड अल्लाह से डायरेक्ट बातचीत करते हैं, सो इट्स ऑल्सो लाइक अ मेडिटेशन एंड अ डायरेक्ट कनेक्शन विद गॉड। 5 बार नमाज पढ़ना हर मुसलमान पर फर्ज है। पहली नमाज सूरज निकलने से पहले पढ़ी जाती है, जिसे फज्र की नमाज कहते हैं। दूसरी नमाज दोपहर के वक्त पढ़ी जाती है, जिसे जोहर की नमाज कहते हैं। तीसरी नमाज शाम के वक्त पढ़ी जाती है, जिसे असर की नमाज कहते हैं। चौथी नमाज सूरज गुरूब होने के बाद पढ़ी जाती है, जिसे मगरिब की नमाज कहते हैं। और आखिरी 5वीं नमाज रात के वक्त पढ़ी जाती है, जिसे इशा की नमाज कहते हैं। हर नमाज का एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर वो नमाज पढ़नी होती है, उसके बाद दूसरी नमाज का टाइम शुरू हो जाता है। तो अगर उस वक्त में नमाज नहीं पढ़ी गई तो उसका टाइम खत्म हो जाता है और उसके बाद वो नमाज नहीं पढ़ सकते, वो मिस हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि उसी टाइम फ्रेम के अंदर वो नमाज पढ़ी जाए। आपने मस्जिदों से आती हुई अजान को तो सुना ही होगा। अजान इज बेसिकली अ कॉल टू प्रेयर, जिसमें अनाउंस होता है कि नमाज का टाइम हो चुका है और नमाज पढ़ने आओ। जिस तरीके से नमाज दिन में 5 बार होती है, 5 बार अजान भी होती है, ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि अब इस नमाज का वक्त हो चुका है। नमाज पढ़ने से पहले वुजू करना जरूरी है। वुजू में बेसिकली आपको अपने हाथ, मुंह और पैर को धोना होता है।
कभी आपने पब्लिक वॉशरूम्स में देखा होगा कि कोई मुस्लिम मुंह धो रहा है, हाथ धो रहा है अपने, और लिटरली अपने पैर धो रहा है वॉश बेसिन में डालकर. सो प्लीज डू नॉट फील ऑकवर्ड, ये करना जरूरी है नमाज पढ़ने से पहले. सो इफ यू सी अ मुस्लिम लाइक दैट, प्लीज अंडरस्टैंड कि नमाज का वक्त हो चुका है और उसे नमाज पढ़नी है. नमाज अरबिक लैंग्वेज में पढ़ी जाती है जिसके अंदर कुरान पढ़ा जाता है. कुरान अल्लाह की किताब है और इसके अंदर जिंदगी जीने का तरीका बताया गया है. तो जब हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं और कुरान पढ़ना शुरू करते हैं तो इट इज अ रिमाइंडर टू अस कि जिंदगी कैसे बसर करनी है, अच्छी चीजें करनी है, बुरे कामों से दूर रहना है. तो इट इज अ रिमाइंडर टू अस 5 times a day एवरी सिंगल डे ऑफ लाइफ. इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो कि ये बताता है कि आपको अपने रब से बात करने के लिए किसी भी मिडिल पर्सन या किसी भी सोर्स की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्ट अपने अल्लाह से बात कर सकते हैं और नमाज अल्लाह से बात करने का तरीका है. अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताऊं तो बेसिकली मुस्लिम्स नमाज में अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं सारी नेमतों के लिए जो अल्लाह ने हमें दी, और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं. जाने अनजाने हर इंसान से गुनाह हो जाते हैं तो हम ये यकीन करते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा माफ करने वाला है, तो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं. बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत किस्म की दुआएं मांगते हैं हम अल्लाह से, और ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करेगा. आपने मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए देखा होगा और ये भी देखा होगा कि वो कुछ तरीके की उठक बैठक कर रहे हैं. बेसिकली वो उठक बैठक नहीं होती, नमाज की मेन 4 positions होती हैं, जिसमें सबसे पहले मुसलमान अल्लाह के सामने खड़े होते हैं. एंड आपने देखा होगा कि वो बहुत ही ज्यादा अदब के साथ खड़े होते हैं. इसका एग्जाम्पल इससे दिया जाता है कि पहले जमाने में जब बादशाह होते थे तो जितने भी दरबारी होते थे वो बहुत अदब से उस बादशाह के सामने खड़े होते थे. तो हम तो ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह इस पूरी कायनात का बादशाह है और उसके सामने हम बहुत अदब से खड़े होते हैं और नमाज शुरू करते हैं. फिर हम रुकू करते हैं. रुकू इज लाइक बोइंग डाउन इन फ्रंट ऑफ अल्लाह. अल्लाह के सामने हम झुक जाते हैं. इंसान इतना हम्बल हो जाता है कि वो झुक जाता है अपने खुदा के आगे. फिर आती है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खूबसूरत पोजीशन, वो है सजदा. सजदा इज द अल्टीमेट सबमिशन टू अल्लाह. इंसान अपने जिस्म का सबसे ऊंचा हिस्सा जमीन के सबसे नीचे हिस्से पर डाल देता है और सजदा करता है अल्लाह पर जो इस पूरी कायनात का रब है. मुस्लिम्स सिवाय अल्लाह के और किसी को सजदा नहीं करते, क्योंकि हम ये यकीन रखते हैं कि और कोई इस लायक नहीं है कि उसे सजदा किया जाए. और लास्टली बैठकर सलाम फेरा जाता है दोनों कंधों पर, जिसके बाद नमाज कंप्लीट हो जाती है. नमाज बेसिकली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही पढ़ी जाती है जिसे क़िबला कहते हैं. नमाज पढ़ने का एक ड्रेस कोड होता है. आपको डिसेंटली कवर्ड होना चाहिए नमाज पढ़ने के लिए. तभी आपने देखा होगा जब नमाज पढ़नी होती है तो मुस्लिम लेडीज दुपट्टा ओढ़ लेती हैं या जो जेंट्स हैं वो टोपी लगा लेते हैं, बिकॉज नमाज में खड़े होने से पहले एक डिसेंट ड्रेस कोड होना जरूरी है. दिन में 5 बार नमाज पढ़ना हर मुस्लिम पर फर्ज है. कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, नमाज पढ़नी है तो पढ़नी है. ओनली इन सर्टेन सिचुएशंस एग्जेम्प्ट होता है नमाज पढ़ना. एंड इफ यू वांट टू नो इन डिटेल, उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. चाहे आप ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, मार्केट में हो, स्कूल में हो, अगर नमाज का वक्त हो गया है तो नमाज पढ़नी है, बिकॉज वी बिलीव के नमाज और अल्लाह टॉप प्रायोरिटी है और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं. तो अगर आपसे कभी भी कोई मुस्लिम नमाज पढ़ने की परमिशन मांगे या कोई जगह मांगे तो प्लीज उनकी मदद कर दिएगा, स्पेशली मुस्लिम लेडीज को, क्योंकि नमाज पढ़ना हर हाल में बहुत जरूरी है. जुमे की नमाज या फ्राइडे प्रेयर के बारे में तो आपने सुना ही होगा. जनरली जो लोग नमाज नहीं भी पढ़ते हैं, फ्राइडे के दिन वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जरूर जाते हैं, बिकॉज फ्राइडे का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जुमे की नमाज पढ़ने जाना बहुत ज्यादा जरूरी है मुस्लिम मर्दों के लिए. लेडीज अपने घर में ही नमाज पढ़ सकती हैं और वर्ल्ड की काफी सारी मस्जिदों में लेडीज भी जाती हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने. औरतों के लिए जरूरी नहीं है मस्जिद में नमाज पढ़ना,
पर आदमियों के लिए बहुत जरूरी है कि वो खास तौर से जुमे की नमाज मस्जिद में ही पढ़ें। आपने कभी मुस्लिम्स को एक साथ नमाज पढ़ते हुए देखा है? अगर देखा है तो इस बात की खूबसूरती आपको जरूर नोटिस करनी चाहिए कि चाहे इंसान अमीर हो या गरीब, काला हो या गोरा, किसी भी कंट्री का हो, किसी भी एथनिसिटी का हो, कोई भी उसकी कास्ट हो, हर कोई एक लाइन में कंधे से कंधा मिलाकर एक बराबर होकर अल्लाह के सामने झुकते हैं। हर इंसान अल्लाह के सामने एक है। इस्लाम रेसिज्म कास्टिज्म नहीं सिखाता, इस्लाम सिर्फ और सिर्फ यूनिटी सिखाता है। नमाज पढ़ने से जिंदगी में डिसिप्लिन आता है और ईमान मजबूत होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, नमाज इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। नमाज पढ़ने से बेहतरीन सुकून मिलता है और सब्र मिलता है। हर किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती, हर कोई कोई ना कोई प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है, तो नमाज पढ़ने से इंसान रीफोकस होता है कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो चली जाएगी अगर हम उस पर सब्र करें। और अल्टीमेटली अल्लाह से हम दुआ मांगते हैं, क्योंकि अल्लाह ही है जो हमारी सारी दुआएं कबूल कर सकता है, हमारी सारी परेशानियों को खत्म कर सकता है। तो इंसान रीफोकस हो जाता है नमाज पढ़ के। नमाज पढ़ने के रूहानी यानी स्पिरिचुअल बेनिफिट्स तो हैं ही, इसके साथ साथ नमाज पढ़ने के फिजिकल बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल, नमाज पढ़ने से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारी बॉडी की अर्थिंग होती है। नमाज पढ़ने से दिल को फायदा पहुंचता है, हमारे दिमाग को फायदा पहुंचता है, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर मैं ये हर चीज डिटेल में बताने चलूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं काफी सारी वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं और आप हैरान हो जाएंगे कि नमाज पढ़ने के फिजिकल बेनिफिट्स कितने सारे हैं। नमाज दीन का सुतून है, यानी इट्स लाइक अ पिलर। पिलर के बगैर बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती। तो अगर कोई मुस्लिम है तो उसके लिए बहुत जरूरी है नमाज पढ़ना अपना दीन कायम रखने के लिए। नमाज की खूबसूरती सऊदी अरेबियन कंट्रीज, स्पेशली मक्का और मदीना में देखने को मिलती है। जब नमाज का टाइम होता है तो सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, सारे मॉल्स बंद हो जाते हैं, कोई भी दुकान पे या तो शॉपकीपर हो या कस्टमर हो, सब के सब नमाज पढ़ने चले जाते हैं और ये नहीं सोचते कि अरे भाई मेरा कस्टमर आया हुआ है, मेरा कोई नुकसान हो जाएगा। नहीं, हम ये यकीन रखते हैं कि नफा और नुकसान अल्लाह के हाथ में है, और जब अल्लाह खुद कामयाबी की तरफ बुला रहा है तो उससे बड़ी कामयाबी और क्या होगी। तो नमाज इज लाइक अ मिनी ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग। आप नमाज पढ़िए, रिकनेक्ट विद योर लॉर्ड, एंड उसके बाद यू कैन कंटिन्यू डूइंग व्हाटएवर यू वर डूइंग। मुस्लिम्स कयामत के दिन पर यकीन रखते हैं, जिस दिन इंसान को अपने हर अमल का हिसाब किताब देना होगा, और कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में किया जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि नमाज का खास ख्याल रखा जाए। तो नमाज एक बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन है एक बंदे और अल्लाह के बीच, अल्लाह जो पूरी कायनात का मालिक है। And that's it for the video. और क्योंकि आपने मेरा वीडियो एंड तक देखा है, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है। इस रमजान मैं दे रही हूँ ये बहुत ही खूबसूरत वुडन फ्रेम्स, जिसपे आप अपनी मर्जी के कोई भी quotes प्रिंट करा सकते हैं। 3 लकी विनर्स ये फ्रेम्स जीत सकते हैं और फुली कस्टमाइज करवा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये गिव अवे जीतने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे और इसके सारे रूल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, सो डेफिनेटली चेक इट आउट। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ यू लाइक सच कॉन्टेंट प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए। एंड यू कैन ऑल्सो शॉप माई हिजाब्स एंड मॉडर्न ड्रेसेस फ्रॉम माई वेबसाइट ramshasultan.com। एंड हाँ, मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। दिस इज मी रमशा सुल्तान साइनिंग ऑफ। तो पता चला आप लोगों को कि नमाज करने के कितने फ़ायदे हैं। हम लोग वैसे भी अगर प्रे नहीं करते हैं, मतलब मैं खुद अपनी भी पर्सनली बात करूँ तो मैं मतलब आई नेवर गो वेरी ऑफन टू एनी टेम्पल और गुरुद्वारा। मतलब ये मेरी गलती है, मुझे जाना चाहिए। और घर पे हो सकता है तो मतलब घर पे तो मैं एक टाइम पे करती हूँ प्रे, बट
फाइव टाइम करनी चाहिए, मैं नहीं करती हूँ। मीन्स हमारे श्रद्धारों में भी फाइव टाइम पाठ करना चाहिए, मैं तो एक टाइम भी नहीं कर पाती हूँ। एक्चुअली होता है क्या है कि ये बात तो फैक्ट है कि हम लोग कभी कभी अपनी प्रायोरिटीज़ के आगे ना पाठ करना या भगवान जी को याद करना थोड़ा सा, मतलब क्या ही कहूँ मैं, मतलब आई डोंट वांट टू ब्लेम, आई डोंट वांट टू पुट एलिगेशंस, बट इग्नोरेंस होती है तो होती है। लेकिन हाँ, मुस्लिम्स में मैंने ये देखा है कि अगर उन लोगों का है कि फाइव टाइम्स आपको नमाज अदा करनी है तो वो करते हैं और प्रॉपरली वुजू भी करते हैं। ये तो मैंने खुद भी देखा है, क्योंकि मैं किसी का पर्सनली नाम नहीं लेना चाहती कि, बट हाँ मैंने पर्सनली देखा है कि लोग कहीं पर भी हों, दे आर लीस्ट बदर कि लोग क्या सोचेंगे या क्या है। बिकॉज मोस्टली हमारा क्या होता है, प्रे करने के लिए भी हम लोग ये सोचते हैं कि यार सामने वाला देखेगा तो वो बोलेगा हम कितने सुपरस्टिशियस हैं या समथिंग लाइक दैट। बट नहीं, अगर भगवान जी ने हमें बनाकर भेजा है इस दुनिया में, उन्होंने नहीं सोचा कि मैं इसको क्यों बनाऊँ या उसको क्यों बनाऊँ, हमें उनके लिए प्रे तो करना ही चाहिए। और इससे मेडिटेशन तो होता ही होता है, साथ में इसके फिजिकल एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। बिकॉज उसमें जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं ना सारा दिन में कि जिम जाओ, ये करो, वो करो, कुछ एक्सरसाइज कर लो घर पे, कुछ योगा वगैरह कर लो, तो उसका हमारा अल्टीमेट पर्पज़ क्या होता है कि हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए, हार्ट को अच्छे से ब्लड पम्प आउट करना चाहिए। तो नमाज करने से एक बेनिफिट ये भी होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आया हो, पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिए। बाय बाय, शब्बा खैर, बाय बाय।